नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है। बात 70 के दशक की और साल 1971। इसी साल एक अहम घटना हुई। उस जमाने में बेंगलोर में राज्य सरकार की स्टेट लॉटरी हुआ करती थी। राजेश खन्ना की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार को लगा कि अगर लॉटरी का लकी नंबर राजेश खन्ना के हाथों निकलवाया जाए तो लॉटरी को अच्छा प्रमोशन होगा। लकी नंबर निकालने का पूरा आयोजन विधानसभा के पास मैदान में किया गया। उस दिन राजेश खन्ना ने अपने साथ लेखक जावेद अख्तर को भी ले लिया था ताकि सफर करते समय कुछ स्क्रिप्ट पर चर्चा हो जाए। लेकिन जैसे राजेश खन्ना उस मैदान में पहुंचे, वहां का माहौल देखकर सन्न रह गए। जावेद अख्तर उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा मंजर दोबारा देख पाऊंगा। राजेश खन्ना को देखते ही 50,000 लोगों की आवाज एक साथ निकली। वो जैसे सीजर की तरह थे। वो मंजर अविश्वसनीय था। उस दिन बेंगलोर की सड़कें खाली थीं। करीब 50,000 लोग एक शख्स को देखने के लिए एक जगह पर जमा थे, मानो राजा के सामने हाजिरी लगाने उसके दरबारी आए हों। दूर दूर तक जमा भीड़ में सिर्फ लोगों के सिर नजर आते थे। ये राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम की अब तक की सबसे बड़ी नुमाइश थी। उस दिन को याद करते हुए बाद के दिनों में राजेश खन्ना ने कहा कि मुझे लगा मैं भगवान के बराबर खड़ा हो गया हूं। मुझे अभी भी वो लम्हा याद है जब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कामयाबी कितनी अद्भुत हो सकती है। ये आपको हिला कर रख देती है, जैसे आप इंसान हैं ही नहीं। ये अंदाज के फौरन बाद हुआ था। बेंगलोर की विधानसभा में लॉटरी ड्रॉ था और मुझे याद है कि 10 मील तक सिर्फ लोगों के सिर के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता था। इतने लोगों की आवाज एक साथ गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने रोमन साम्राज्य का कोई स्टेडियम हो। वो मंजर देखकर मैं बच्चों की तरह रो पड़ा। बेंगलोर की ये घटना, जिसमें सही मायने में राजेश खन्ना की अपनी विराट स्टारडम से मुलाकात हुई, उस दिन खुद अपने जहन में उनका रुतबा कई गुना ज्यादा बढ़ गया। उन पलों में शायद वो खुद को शोहरत की बुलंदी पर महसूस कर रहे थे। आखिरकार जज्बात संभालना अब मुश्किल हो गया और वो आंखों से बह निकले। राजेश खन्ना जावेद अख्तर के सामने फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन ये खुशी के आंसू थे, कामयाबी के आंसू, बुलंदी पर पहुंचने के आंसू, सब कुछ पा लेने के आंसू, सब कुछ। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।